नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एसपी फ्लैश टूल इरोर जो होता है वो किस वजह से होता है और उसको फिक्स कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फ़ोन है लिनोवो 52 प्लस, और यहाँ पे एक एसपी फ्लैश टूल में मैं ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए एसपी फ्लैश ओपन हो गया है दोस्तों। एमटीके का जो प्रोसेसर होता है वो जो डिवाइस में जिस फ्लैश टूल से पहली बार उसको फ्लैश करता है उसी वर्सन का फ्लैश टूल जरूरी होता है, नहीं तो दूसरा फ्लैश टूल आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें इरोर आता है मैक्सिमम टाइम में। पहले तो आपको चेक करना है कि आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया है वो सही है कि नहीं, आपने जो आपका फ़ोन का फ्लैश फाइल जो डाउनलोड किए हैं वो सही है कि नहीं। अगर ये दोनों में दोनों सही है वो ठीक है तो आपको फ्लैश टूल चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये जो फ्लैश टूल है मैं पहले ट्राई करता हूँ 5.1.13+0.52, ये वर्सन में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। पहले डाउनलोड बटन में क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे केबल जो है यूएसबी केबल इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जब यूएसबी केबल को इंसर्ट कर रहा हूँ, यूएसबी केबल इंसर्ट करते ही यहाँ पे एक देखिए यूरोड दिखा रहा है, एक बैड रॉम यूरोड ऐसा करके एक यूरोड दिखा रहा है और 2022 का एक यूरोड कोड आ रहा है। ये शायद कुछ वजह से आ रहा है। तो इस वर्सन को छोड़ के हम लोग दूसरा एक फ्लैश टूल का वर्सन में हम जा रहे हैं। ये केबल को अनप्लग कर दिया। अभी जो है दूसरा एक फ्लैश टूल हमारे पास है जो इस रोम के साथ ही आया, जो मैं अभी रोम मेरे मोबाइल में लगाने जा रहा हूँ उस रोम के साथ ही एक फ्लैश टूल दिया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एसपी फ्लैश टूल है। ओके यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। ये तो स्कैटर फाइल और मेन फाइल तो लोडिंग है ऑलरेडी। यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर रहा हूँ। ये वर्सन पहले चेक कर लेते हैं। ये है 5.17, मतलब उससे कहीं ज़्यादा, मतलब ये सबसे लेटेस्ट वर्सन है, लेकिन ये भी इरर दिखाएगा देख सकते हैं आप। क्योंकि जो वर्सन आपका मोबाइल में पहली बार जब चाइना में, शायद ये देखिए इरर कोड दिखा रहा है 2005, ये एसडी रोम इरर करके इरर आ रहा है। आप मोबाइल चार्जिंग मोड में आ गया, इसको अनप्लग कर लेते हैं। तो ये भी काम नहीं कर रहा है, ये लेटेस्ट वर्सन था फ्लैश टूल का। तो अभी जो फ्लैश टूल मेरे फ़ोन का जो है लिनोवो 52 प्लस, इस फ़ोन के लिए मेरा ये फ्लैश टूल काम किया तो इससे मैं फ्लैश किया। तो आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये फ्लैश फाइल लोडिंग हो रहा है। ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर चुके हैं फ्लैश का लोकेशन। अभी इसका देख लेते हैं 5.1604, ये वर्सन जो है ये वर्सन मेरे लिए काम किया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है, मैं वहाँ से डाउनलोड किया था। अभी जो है डाउनलोड बटन पे जो है क्लिक करना है। याद रहे आप फॉर्मेट या डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि उससे आपका IMEI नंबर या कुछ भी सीरियल नंबर डिलीट हो सकता है। अभी जब केबल में इंसर्ट करूँगा तब देख सकते हैं कि ये रेड वाला एक लाइन गया, उसके बाद एक पर्पल वाला गया, अब येलो वाला जाना स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।